अब ये जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हम लोगों ने पढ़े हैं इनको हम लोग किस तरह से जो क्लासिफिकेशन थी हम लोग नॉर्मल अभी जनरल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं कि अगर हमें डिटेल में नहीं देना है और हमें नॉर्मल डिफरेंसेस पूछ लिए जाए तो कैसे करेंगे मॉलिकुलर सॉलिड नॉन पोलर पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड अब मॉली नॉन पोलर में तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी सब में मतलब इसे कंस्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे तीनों के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पार्ट के पहले में डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस जो कि वीक फोर्सेस हैं थोड़े उसमें डायपोल डाइपोल थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सबसे स्ट्रॉ हो गई इसके एग्जाम्पल आर्गन और सी यानी कार्बन क्लोराइड फिर एच टू आई टू सी ओ टू डाइपोल डाइपोल में एच सी एल और सी ओ टू एस ओ टू और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एच टू और आई ये दोनों सॉफ्ट होते हैं वहीं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला हार्ड होता है तीनों इंसुलेटर हैं वेरी लो लो हा लो हमारी मेल्टिंग पॉइंट अब आयनिक सॉलिड में आयन्स होते हैं और इनका जो वर्क करता है बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कोलम्बिक फोर्स वर्क करेगा जैसे कि जिंक सल्फाइड कैल्शियम फ्लोराइड सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं अगर हम इसको हैमर से ठोकेंगे तो जो ये हमारा ये हमारी पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे इंसुलेटर सॉलिड होते हैं सॉलिड स्टेट में हमें इंसुलेटर के फॉर्म में मिल जाएंगे लेकिन न स्टेट में ये कंडक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा मेटालिक सॉलिड पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मेटालिक सॉलिड जो होते हैं पॉजिटिव आयन्स इन अ सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन ठीक है मतलब जो मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें जो मेटल्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है मेटालिक बॉन्डिंग इसकी वजह से इनको कलर की फॉर्मेशन भी होती है तो मेटालिक बॉन्डिंग एग्जाम्पल मेटल्स नॉर्मल दे दो हार्ड होते हैं लेकिन मलिये बलो डक्टाइल भी होते हैं कंडक्टर सॉलिड स्टेट में होते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में हमारे ये आ, एज वेल एज इन मोल्टे मतलब मोल्टन स्टेट में अगर हम पानी में बिड़बें तब भी हमारे कंडक्टर ही रहेंगे कंडक्ट कराएंगे और इनकी जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है कोवलेंट और लास्ट हमारा जो है इसमें सॉलिड्स में जो क्लासीफैम ने करा था वेंडरवर्ल्ड फोर्सेज इन सब फोर्सेज के उस पर तो लास्ट जो है वो है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड इसमें जो कंस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो हमारे एटम्स होते हैं बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जिसकी टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं वो है कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड है सॉरी सिलिकन कार्बाइड एंड डायमंड ये इसके टिपिकल एग्जांपल्स हैं इसका एक एक्सेप्शन है जिसे लिखा है ग्रेफाइट ग्रेफाइड इन्होंने सी ग्रेफाइट करके लिख भी दिया है जो एक्सेप्शन है हमारा क्योंकि बाकी सब तो हार्ड होंगे हमारे कोवल नेटवर्क सॉलिड में लेकिन जो ग्रेफाइट होगा वो सॉफ्ट होगा बाकी इंसुलेटर होंगे ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करेगा लेकिन इसकी जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वेरी हाई होगा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसका वो होगा क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल्स तो अब इन्होंने कहा है हमें